पाठ्य पुस्तक कस्तूरी क्लास टू चैप्टर फाइव अच्छा पड़ोसी। तो आइए प्रश्न उत्तर करते हैं। देखिए पहले प्रश्न है, पढ़ो कहानी बताओ जुबानी। ठीक है, तो प्रश्न पूछता है प्रश्न संख्या वन, सभी पड़ोसियों में ऐश्वर्या ही वृद्ध आदमी की मदद क्यों करती थी। तो इसका उत्तर होगा क्योंकि ऐश्वर्या सबसे प्रेम रखने वाली अच्छी बच्ची थी। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, ऐश्वर्या का क्या होता यदि वृद्ध आदमी उसकी सहायता न करता। तो इसका सही जवाब होगा, यदि वह वृद्ध ऐश्वर्या की सहायता न करता तो उसका जीवन समाप्त तो हो सकता था। तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं, ऐश्वर्या के किस गुण के कारण वृद्ध ने उसकी जान बचाई। तो इसका उत्तर होगा, ऐश्वर्या की दयालुता के कारण ही वृद्ध ने उसकी जान बचाई। आप कहानी पढ़ के आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, वृद्ध आदमी के स्थान पर आप होते तो आप क्या करते हैं। तो क्या करते हैं देखो, तो उत्तर होगा, यदि वृद्ध के स्थान पर मैं होता, ठीक है, यदि वृद्ध के स्थान पर मैं होता तो मैं क्या करता, तो मैं भी उसकी उसी तरह से सहायता करता। क्योंकि यदि हम किसी की सहायता करते हैं तो कोई हमें भी सहायता करता है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न पिटारी। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो क प्रश्न पूछता है, ऐश्वर्या की जान किसने बचाई। तो ऑप्शन वन सही होगा, वृद्ध ने। ऐश्वर्या की जान किसने बचाई, तो वृद्ध ने बचाई थी। अब दूसरा प्रश्न है, ख ऐश्वर्या के घर से किसकी दुर्गंध आ रही थी। तो इसका सही ऑप्शन है वन, गैस की दुर्गंध आ रही थी। तो ऐश्वर्या के घर से किसकी दुर्गंध आती थी, तो गैस की, तो गैस के कारण दुर्गंध आ रही थी। ग प्रश्न है, वृद्ध आदमी कैसा था। तो कैसा था वृद्ध आदमी, वृद्ध था तो जाहिर सी बात है कि कमज़ोर था। तो ऑप्शन वन सही होगा, कमज़ोर, वृद्ध आदमी कमज़ोर था। अब घ प्रश्न देखिए, हमें पड़ोसियों से क्या करना चाहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर वन, प्रेम, हमें पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पढ़ो समझो और उत्तर दो। तो दूसरा का क प्रश्न देखिए, प्रश्न है, ऐश्वर्या के पड़ोस में कौन रहता था। तो कौन रहता था, तो वृद्ध आदमी जिसने ऐश्वर्या का मदद पहुंचाया था। ख प्रश्न देखिए, वृद्ध आदमी कैसा दिखता था। तो वृद्ध कैसा दिखता था, तो कमज़ोर दिखता होगा और उसका चेहरे पर झुर्रियाँ आ गया होगा का भद्दा सा आदमी दिखता होगा। तो देखिए उत्तर है, वृद्ध आदमी गंदे कपड़े पहने एक भद्दा सा आदमी दिखता था। वो बूढ़ा हो गया था, वृद्ध हो गया था ना, तो उसमें से हैंडसम कम हो गया था, तो चेहरे पर झुर्रियाँ आ गया होगा, भद्दा सा दिखने लगा। ग प्रश्न देखिए, ऐश्वर्या वृद्ध के लिए क्या लाती थी। तो क्या लाती थी, तो ऐश्वर्या वृद्ध के लिए फल और बिस्कुट खरीद कर लाती थी। तो अब आते हैं घ प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वृद्ध आदमी ने ऐश्वर्या के घर का दरवाज़ा क्यों तोड़ा। तो क्यों तोड़ा, तो उसकी सहायता पहुंचाने के लिए नहीं तोड़ा था, क्यों तोड़ा था। तो देखिए उत्तर होगा, वृद्ध आदमी ने ऐश्वर्या के घर का दरवाज़ा तोड़ा क्योंकि उसके घर से पकाने की गैस के रिसने की गंध आ रही थी। तो उसके घर से
गैस एलपीजी गैस के रिसने की आवाज मैंने गंध आ रही थी। ठीक है, तो गैस में तो मरकैप्टन होता है जो दुर्गंध पहुंचाता है, सड़ी हुई मछली की जैसा गंध फैलाता है। तो ऐश्वर्या के घर से जब गैस लीकेज हो गया तो उसमें से गंध आने लगा। इसे कारण वृद्ध आदमी ने ऐश्वर्या का घर का दरवाज़ा तोड़ा। अंग प्रश्न देखिए, प्रश्न है ऐश्वर्या के माता पिता ने वृद्ध को धन्यवाद क्यों दिया। तो क्यों दिया, तो उत्तर देखिए ऐश्वर्या के माता पिता ने वृद्ध को धन्यवाद दिया क्योंकि उसने ऐश्वर्या की जान बचाई थी। जब वृद्ध ने ऐश्वर्या के घर से गंध आने लगा तो उसने क्या किया कि दरवाज़ा तोड़कर उसके ऐसे जान बचाई। इसलिए ऐश्वर्या के माता पिता ने वृद्ध को धन्यवाद दिया। अब देखिए अगला तीसरा नंबर का प्रश्न है। प्रश्न है सही कथन पर सही का चिन्ह लगाओ और गलत रहेगा तो गलत का निशान लगाना है। तो क्या प्रश्न है, ऐश्वर्या वृद्ध आदमी को पसंद नहीं करती थी, तो गलत बात है, तो पसंद करती थी। ठीक है, अब आते हैं ख प्रश्न की ओर। प्रश्न है उसके माता पिता वृद्ध को खाना देते थे, तो बिल्कुल गलत, तो खाना नहीं देते थे। ठीक है, तो आते हैं ग प्रश्न की ओर। प्रश्न है वृद्ध आदमी बहुत कमज़ोर था, तो बात बिल्कुल सही है कि जो वृद्ध आदमी था वो बद्दा सा दिखता था और कमज़ोर था। इसकी कारण है कि ऐश्वर्या वृद्ध के लिए फल और बिस्कुट खरीद कर लाती थी। अब देखिए घ प्रश्न की ओर। प्रश्न है ऐश्वर्या के घर से गैस की बदबू आ रही थी, बिल्कुल सही है, ऐश्वर्या के घर से गैस की बदबू आ रही थी। इसी कारण वृद्ध आदमी ने ऐश्वर्या के घर का दरवाज़ा तोड़ा और ऐश्वर्या की जान बचाई। अब आते हैं अंग प्रश्न की ओर। प्रश्न है ऐश्वर्या की दयालुता ने उसकी जान बचाई, बिल्कुल सही है, ऐश्वर्या सभी से प्रेम व्यवहार में करती थी। ठीक है, और वृद्ध के लिए फल और बिस्कुट खरीद कर लाती थी, इसी दयालुता के कारण उसकी जान बची। अब आइए आगे भाषा ज्ञान से संबंधित प्रश्न उत्तर की ओर। प्रश्न है एक से अनेक बनाओ, जब एक है उसको अनेक बनाना है। जैसे पुत्री है तो पुत्रियाँ, आँख तो आँखें, ठीक है, तो उसके बाद सीढ़ी तो सीढ़ियाँ, दरवाज़ा दरवाजे, बेटी बेटियाँ, पुस्तक पुस्तकें, खिड़की खिड़कियाँ, कुर्सी कुर्सियाँ। इस प्रकार से अनेक बनाना है, तो सिंगुलर से प्लूरल बना दिए हैं, एक वजन से बहुवचन। ठीक है, अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है इन्हें भी करके देख लो कि ये क्या है, स्त्रीवाची है या पुरुषवाची है, स्त्रीलिंग है या पुलिंग है। तो माता क्या है, स्त्रीवाची है, वृद्ध पुरुषवाची है, पुत्र पुरुषवाची, तो पड़ोसी पुरुषवाची, आँख स्त्रीवाची, पुत्री स्त्रीवाची है। इसमें स्त्रीलिंग या पुलिंग यानी स्त्रीवाची या पुरुषवाची का भेद करना था। अब देखिए आगे हैं तीसरा प्रश्न की ओर। ठीक है, तो प्रश्न देखिए चित्र देखो और नीचे उसका नाम पढ़ो, फिर मिलता जुलता एक नाम और लिखो जिसका अर्थ समान हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आँख है तो आँख का मिलता जुलता है नयन, वृद्ध वृद्ध का बुढ़ा हो जाएगा। अब देखिए आगे लड़की है तो बालिका हो जाएगा, तो बाल है तो बालक हो जाएगा। अब आगे देखिए चौथा प्रश्न, चित्र देखकर वाक्यों को पूरा करो, चित्र देख करके वाक्यों को पूरा करना है, तो ऐश्वर्या डैश को डैश, तो क्या हो जाएगा, ऐश्वर्या वृद्ध को खाने के लिए देर क्या दिया, तो देखिए के लिए फल दे रही है। ठीक है, के लिए क्या दे रही है, तो फल दे रही है उसके, तो उसके कौन, उसके माता पिता
उसे क्या कर रहे हैं तो देख रहे हैं। ऐश्वर्या एक कैसी लड़की है तो दयालु लड़की है, वह बहुत कैसी है तो प्यारी भी है। तो इस प्रकार से आप रिक्त स्थानों को पूर्ति कर सकते हैं। अब आगे है प्रश्न सबके लिए, ठीक है, सबके लिए करना है तो इसमें आपको सदैव अपने पड़ोसियों का सम्मान करना चाहिए। जब कभी आप अपने से बड़े को देखे जो आपके समीप रहता है उन्हें नमस्ते अंकल या नमस्ते आंटी कहिए। अपने समीप रहने वाले बच्चों के साथ अच्छी मित्रता कीजिए। बताओ कि क्या यह सही है या गलत, सही या गलत करना है। तो कह देखिए, कह है हमें केवल अपने परिवार से प्रेम करना चाहिए, तो बिल्कुल गलत, गलत है। हमें अपने परिवार के अलावा पड़ोसियों से भी प्रेम व्यवहार करना चाहिए। तो ख देखिए, हमें अपने पड़ोसियों के प्रति दयालु और उपयोगी या मददगार होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। ग देखिए, हमें बड़ों के कार्य में बाधा डालनी चाहिए, गलत। हमें बड़ों के कार्य में बाधा नहीं डालना चाहिए। आगे देखिए, हमें अपने पड़ोसी के बगीचे से फूल तोड़ना चाहिए, गलत। हमें पड़ोसियों के बगीचे से फूल नहीं तोड़ना चाहिए। अंग, हमें अपने पड़ोसी बच्चों के साथ मित्रता करनी चाहिए, बिल्कुल सही। हमें पड़ोसियों के साथ मित्रता करनी चाहिए। अब देखिए आगे है अपनी अपनी सोच। जो नीचे दिए चित्र को देखिए, बताओ कौन अच्छा पड़ोसी है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, और इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। तीसरे चित्र में दिखाया गया पड़ोसी सबसे अच्छा है, क्योंकि अपने पड़ोस में रहने वाले बूढ़ों की सेवा देखभाल करना हमारा कर्तव्य होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आगे है, आओ कुछ करके दिखाएं। तो ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहाँ चीज़ों के रंग हमारी दुनिया के रंगों से बदल गए हैं। वहाँ के रंग इस प्रकार हैं, बर्फ का रंग लाल है, ठीक है, घास का रंग काला है, आसमान भूरे रंग का है, खून का रंग सफ़ेद है, पेड़ के पत्तों का रंग काला है। तो ये सब अपने से करना है, ठीक है। तो अच्छा पड़ोसी का क्वेश्चन आंसर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।